हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने iQOO 3 एंड्रॉइड मोबाइल फ़ोन में आप जो है ऐप आइकन की साइज को आप चेंज कैसे कर सकते हैं। ये जो आपके मोबाइल फ़ोन में जो ऐप आइकन है इनका साइज आप छोटा या बड़ा कैसे कर सकते हैं, आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ। तो चलिए यहाँ पे वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले तो आपको अपने मोबाइल फ़ोन में सेटिंग पेज को ओपन करना है, ठीक है। सेटिंग पेज को ओपन कर लीजिए अपने मोबाइल फ़ोन में। सेटिंग पेज में आपको नीचे ये ऑप्शन मिलेगा लॉक स्क्रीन एंड वॉलपेपर, इसे आपको सेलेक्ट करना है। इसके अगले पेज में आपको नीचे ये ऑप्शन मिलेगा होम सेटिंग, इसे सेलेक्ट करना है। इसके अगले पेज में आपको नीचे ये ऑप्शन मिलेगा राउंडेड कॉर्नर, राउंडेड कॉर्नर पे सेलेक्ट करना है। अब इसके अगले पेज में आपको नीचे की साइड ये ऑप्शन मिलेगा आइकन साइज का, इसमें आपको आइकन साइज में नीचे दो ऑप्शन दे रखे हैं, एक तो स्मॉल का एक ये लार्ज का, ठीक है। ये आपके मोबाइल फोन के ऐप आइकन दे रखे हैं, सबसे ऊपर ये आपको सैंपल में दे रखे हैं। यहाँ पर आपको जो है ना, ये देखिए मेरा लार्ज पे पहले से टिक मार्क लगा हुआ है, अगर मैं इसे स्मॉल पे सिलेक्ट करूंगा तो ये जो ऐप आइकन है ये छोटे हो जाएंगे। आप यहाँ पे ध्यान से देखिए इन ऐप्स को, मैं यहाँ पे स्मॉल पे सिलेक्ट करता हूँ तो देखिए इनका साइज हल्का सा छोटा हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर आपके मोबाइल फोन में जो ऐप्स हैं उनका साइज भी छोटा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप इसे दोबारा से लार्ज पे सिलेक्ट करेंगे तो ये आइकन का साइज बड़ा हो जाएगा, देखिए, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपने इस ऐप आइकन साइज सेटिंग को आप चेंज कर सकते हैं अपने मोबाइल फोन में। अब मैं आपको जो है ना इस सेटिंग को ढूंढने का एक शॉर्टकट तरीका भी बता देता हूं आपके मोबाइल फोन में। इसके लिए आपको मोबाइल फोन का सेटिंग पेज फिर से ओपन करना है स्टार्टिंग से। सेटिंग पेज में आपको सबसे ऊपर ये सर्च आइकन सेलेक्ट करना है और यहाँ पर आपको सर्च बार में सेटिंग का नेम आपको राउंडेड कॉर्नर आपको टाइप करना है, तो आपको नीचे ये ऑप्शन शो हो जाएगा राउंडेड कॉर्नर। यहाँ पर आपको एक बात का ध्यान रखना है कि जब भी आप सर्च बार में सेटिंग का नेम आप टाइप करेंगे तो यहाँ पर आपको स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करनी है। अगर आप यहाँ पे स्पेलिंग करेंगे तो आपको नीचे ये ऑप्शन दिखाई नहीं देगा, इस बात का ध्यान रखना है। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। आप राउंडेड कॉर्नर पे सिलेक्ट करेंगे तो इससे क्या होगा, आपका फोन आपको डायरेक्टली सेटिंग पेज में लेकर आ जाएगा और आपको ये राउंडेड कॉर्नर का ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे तो इसके अगले पेज में आपको नीचे ये ऑप्शन मिल जाएगा। तो ये मैंने आपको एक शॉर्टकट तरीका भी बता दिया इस सेटिंग को ढूंढने का आपके मोबाइल फोन में।